नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज है दिनांक 1 जुलाई 2022, दिन शुक्रवार, और आज का पंचांग क्या है संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले चलिए जान लेते हैं आज की तिथि के बारे में। आज की तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, जो कि दोपहर 1:09 PM तक रहेगी। उसके पश्चात तृतीया तिथि आज होने वाली है। मित्रों, इस वीडियो में आपको पंचांग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, आज की तिथि, वार, नक्षत्र, योग करण सहित आज का शुभ शुभ समय और आज का चुगड़िया शुभ मुहूर्त, आज का दिशा शूल उपाय और प्रमुख प्रत्यौहार के बारे में भी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। चलिए सूर्योदय और चंद्रोदय के बारे में बात करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:36 पर होगा, सूर्यास्त शाम को 7:25 PM पर होगा, चंद्रोदय शाम को 7:12 पर होगा और चंद्रास सुबह 9:24 पर अगले दिन होने वाला है। नक्षत्र की बात करें तो पुष्य नक्षत्र 3:56 तक रहेगा, उसके पश्चात अश्लेषा नक्षत्र रहने वाला है। योग की बात करें तो व्याघात योग 10:47 सुबह तक रहेगा, उसके पश्चात हर्षण योग रहने वाला है। करण की बात करें तो कौलवकरण 1:09 PM तक रहेगा, उसके पश्चात तैतिलकरण 2:14 तक, उसके पश्चात गर्करण रहने वाला है। चलिए आज के शुभ समय के बारे में बात कर लेते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 PM से दोपहर 12:58 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में सभी शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं और यात्रा करने के साथ में नए कार्य भी आप शुभारम्भ इसमें कर सकते हैं। अमृतकाल जो है 8:47 PM से 10:34 PM रात्रि में रहने वाला है। इसमें भी आप सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं मित्रों। और आज जो है विशेष योग जो है रवि योग रहने वाला है, जो कि 3:56 AM मध्य रात्रि जुलाई 2 से 5:37 AM जुलाई 2 तक मध्य रात्रि में रहने वाला है। इसमें भी सभी शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आज के अशुभ समय के बारे में बात करते हैं। आज राहुकाल 10:47 AM सुबह से दोपहर 12:31 PM तक रहेगा। इस मध्य कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए या यात्रा की शुरुआत इस समय नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के गुलिक काल के बारे में। आज गुलिक काल सुबह 7:20 से सुबह 9:04 AM तक रहेगा। इसमें भी आप कोई शुभ कार्य ना करें क्योंकि ये कुछ जगह अशुभ माना जाता है। आज जो है यमगंड 3:58 PM से 5:41 PM दोपहर के मध्य रहने वाला है। इसमें भी आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य संपन्न ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के चुगड़िया शुभ मुहूर्त के बारे में। चढ़ जो कि सामान्य होता है सुबह 5:36 से 7:20 AM तक, लाभ सुबह 7:20 से 9:04 AM तक, शुभ 12:31 PM दोपहर से 2:14 PM दोपहर तक, और चर 5:41 PM शाम से 7:25 तक। चलिए रात्रि की चौकड़ियों के बारे में बात करें तो आज शुभ जो कि बहुत ही उत्तम होता है दोपहर 12:31 AM मध्य रात्रि 1:47 तक रहेगा। अमृत 1:47 से 3:04 तक रहेगा और चर 3:04 AM से सुबह प्रातःकाल 4:20 AM तक रहने वाला है। आज के दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहने वाला है। पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको यथासंभव बचना चाहिए। आज के उपाय की बात करें तो आज दिन शुक्रवार है और आज आपको जौ या राई खा करके आप अपने घर से बाहर निकले जो भी कार्य करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से इस उपाय को करने के बाद में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और आपका कार्य सिद्ध होगा। आज के प्रमुख व्रत और त्यौहार की बात करें तो आज मुख्य रूप से जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ होगी। इसमें कई श्रद्धालुओं की भीड़ जो है भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होती है और प्रमुख भगवान जगन्नाथ के जो है दर्शन इसमें होते हैं। साथ ही आज गंडमूल और रवि योग बने हुए हैं और साथ ही में आज विड़ियाल योग भी क्रमशः बना हुआ है। इस प्रकार आज के प्रमुख त्यौहार रहने वाले। मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और साथ ही में आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। साथ ही मित्रों, इस वीडियो को अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ में फेसबुक, व्हाट्सअप, जो भी ग्रुप्स में अभी आप हैं उन सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए तथा सभी परिवारजनों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके अवश्य कमेंट में बताइए और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूले मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।